कोरोना काल में असहाय असमर्थ जरूरतमंद मरीजों में सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की होती है। इन लोगों की मदद के लिए लायंस क्लब आ गया है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनों को जरूरतमंद मरीजों तक निःशुल्क पहुंचाने का काम शुरू किया जा रहा है। वहीं मरीजों के लिए सुविधाजनक बेड, व्हीलचेयर व इत्यादि का इंतजाम किया गया है, जो निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लाखों रुपए की लागत मूल्य की इन 3 ऑक्सीजन मशीनों के द्वारा मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी, जिस पर हजारों रुपए खर्च करना होते हैं। यह मशीन नाम आर के स्कूल पर सिर्फ बिजली के खर्च पर मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी। एक मशीन के द्वारा 2 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इन मशीनों के लिए मरीज को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। क्लब द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली ये मशीन बहुत बड़ी सहायता के रूप में मरीज के लिए कारगर साबित होगी। अत्यंत बीमार लोगों के लिए फोल्डिंग बेड, चलने में असमर्थ लोगों के लिए व्हीलचेयर तथा वापस आने का भी इंतजाम किया गया है। सेंधवा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध इन मेडिकल उपकरणों के लिए सुविधा लेने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जहां फोन कर इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। यह लायंस द्वारा की गई सेवा कार्य का एक अनूठा उदाहरण है। सर, ये किस तरह की मशीनें लायंस को मिली है, कितनी मशीनें मिली है और किस तरह से लोगों को इसकी सुविधाएं मिल पाएगी, मरीज को क्या लाभ है? ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है जो लायंस क्लब को 3 मशीनें मिली है डोनेशन में। इसका काम वातावरण की ऑक्सीजन को खींच कर कंसंट्रेट करके और पेशेंट को देना है। जैसा कि हम जानते हैं कि वातावरण में 21% ऑक्सीजन होती है, पर मरीज को हमें 95% तक ऑक्सीजन सप्लाई करना होती है। तो ये मशीन केवल एक बिजली के बल्ब के खर्चे पर 24 घंटे ऑक्सीजन दे सकती है, 95% में इसको कन्वर्ट करके पेशेंट को दे सकती है। किस तरह से पेशेंट का कितना खर्च होता है और ये क्या खर्च बचा सकती है? अगर यही ऑक्सीजन अगर 24 घंटे हम ऑक्सीजन में भरकर पेशेंट को देते हैं तो एक दिन का खर्चा पेशेंट का 1200 रुपये के आसपास ऑक्सीजन के सिलेंडर के खर्चा आता है 24 घंटे का। और अगर ये मशीन से देंगे तो मात्र एक बिजली के बल्ब के बराबर जो यूनिट खर्च होना है 10 रुपये 5 रुपये, उसमें ये मशीन आपको ऑक्सीजन 24 घंटे सप्लाई कर सकती है। लायंस सेवा के लिए किस तरह से तत्पर है और अब आगे क्या क्या सुविधाएं और देने के लिए प्लानिंग है? लायंस सेवा के लिए हमेशा से ही तत्पर है और कोरोना काल में हम लोगों ने जो यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट पे जो एबी रोड पे जो पेशेंट जा रहे थे, जिनको भी हमने खाना भी सप्लाई किया, और अभी जो पोस्ट कोविड में पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही बेड की, व्हील चेयर की और वॉकर मशीन की और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की, तो हम ये सब निशुल्क पेशेंटों को उपलब्ध करा रहे हैं। किस तरह के सेवा भाव के लिए कोविड काल में आ गया है लायंस और लोगों के द्वारा किस तरह से मशीनें दान की गई है और क्या उद्देश्य हो सकता है? लायंस क्लब सेंधवा, जैसे कि जब से कोरोना हुआ है, लायंस क्लब पीड़ित मानवता की सेवा के प्रति सजग है और लायंस क्लब ने कोरोना से व्यक्ति ठीक होने के उपरांत जो आ रही समस्या, ऑक्सीजन की समस्या मेन रहती है, उसके लिए सेंधवा नगर के विभिन्न दानदाताओं के सहयोग से हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लेके आए हैं। और इसके लिए हम सेंधवा ही नहीं, सेंधवा के आसपास के लोगों से यह आह्वान करना चाहते हैं कि आप आएँ और इस मशीन का उपयोग करें। क्या क्या सुविधाएँ फिलहाल उपलब्ध हो रही, मशीन, बेड? सेंधवा लायंस क्लब सेंधवा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, बेड और व्हील चेयर लेके आए हैं और वो हम जरूरतमंद आम जन को दे रहे हैं। अभी कितने पेशेंट के लिए सुविधा उपलब्ध हो, कितनी मशीनें हैं? अभी हमारे पास 3 मशीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है। एक मशीन से 2 लोगों को हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो 6 लोगों को हो जाएंगे। उसके उपरांत हम ऑक्सीजन के अलावा इसमें भाप की भी सुविधा भी है इस मशीन के द्वारा, व्यक्ति भाप भी ले सकता है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सेंधवा से मोहसिन मंसूरी की